नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पर। नमस्कार नमस्कार पंकज अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत दिन से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की, लेकिन आप भी बिजी रहते हैं अपने चैनल पर और कहीं ना कहीं टाइम का दिक्कत हो रहा था, लेकिन मेरे बहुत से दर्शक बिल्कुल, चाहते थे संयोग संयोग ही आप। नहीं बन रहा था बहुत दिनों से। कई बार समय तय होकर के भी समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरे बहुत से दर्शक चाहते थे कि मैं आपसे जरूर बात करूं और आपको अपने यहां बुलाऊं। जी अच्छा, जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी। कई दर्शक तो बहुत कॉमन होते हैं, तो इधर भी सुनते तो उन्हें लगता है कि वो कहते हैं आपसे कि हाँ आप इन्हें भी बुलाइए ताकि इनके व्यूअर्स भी आपसे जुड़ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों के व्यूअर्स भी जो है जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि आपके शुभचिंतक होते हैं, तो ऐसा जरूर चाहते हैं। जी हाँ, और वो ये भी चाहते हैं कि एक जैसे विचारधारा के लोग हैं तो आपस में बातें करते रहे तो ज्यादा अच्छी बातें भी निकल कर सामने आती है। मनीष जी, बड़े दिनों के बाद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। भटिंडा में आज वो रैली कर रहे थे और वहां पर उन्होंने दावा ठोका है कि पंजाब की 13 सीटों पर वही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए कि ये कहते हैं ना कि केजरी का जो शातिर एजेंडा है, ये केजरीवाल का जो शातिराना खेल है, ऐसा लग रहा था कि अभी चीजें खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को अब जेल का डर सता रहा है, कांग्रेस चारों तरफ से घेर रही है, तो लग रहा था कि अभी केजरी बदले बदले नजर आएंगे। अभी देखिए, मैं देख रहा था केजरीवाल का जो वो चिकने भाई हैं राज्यसभा सांसद, जो माफी मांग करके नाक रगड़ करके अभी माफी मांग करके राज्यसभा में बैठे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले महामहिम उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी ने जलील किया। मुझे लग रहा है कि भारत के इतिहास में किसी सांसद को सदन के अंदर ऐसी जलालत नहीं हुई होगी जो राघव चड्ढा को हुई। चड्ढा को उसने उन्होंने कहा कि तुम कन्विक्टेड हो, तुम अपराधी हो, तुम दोषी हो। अब सोचिए, राज्यसभा के उच्च सदन के सभा जो माननीय सदस्य होते हैं, वो हमारे यहाँ उच्च सदन माना जाता है, सम्मानित, लोकसभा से ज्यादा सम्मानित माने जाते हैं राज्यसभा के जो सांसद होते हैं। तो क्यों जी माना जाता है, क्यों पढ़े लिखे शिक्षित मैच्योर लोग हैं, और उस सांसद को सभापति कह रहे हैं कि तुम कन्विक्टेड हो, तुम मूल जो तुम नौटंकी करते हो, तुम्हें यदि अवसर मिलेगा तो तुम डांस करने लगोगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये इसको अंजू जी, इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है जो राज्यसभा सभापति कह रहे थे कि तुम लोग यही हो, तुम लोग नौटंकी करते हो, तुम लोग ड्रामेबाज हो। अब आप जो बात अरविंद केजरीवाल के लिए कह रही हैं, वो बात राघव चड्ढा ने अभी कहा एक निजी चैनल को इंटरव्यू में, अभी आज ही मैं कहीं देख रहा था यूट्यूब पे ही, कि हम लोग सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अब की बार 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ा, अब जो है इंडी गठबंधन यदि चुनाव लड़ती तो बात कुछ और होती। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, टीवी चैनलों पे पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं कि हम लोग मिल करके यदि चुनाव लड़ते तो 3ों राज्यों में बीजेपी को हरा लेते। कुछ ही परसेंट वोट की तो बात हुई, फिर उसने कांग्रेस की भाषा बोलनी शुरू की, कौन राघव चड्ढा, कि ओवरऑल तो 10% जो 10 लाख वोट तो कांग्रेस को ज्यादा मिले, मतलब कांग्रेस की तरफदारी तुम कर रहे हो। तो फिर पंजाब में क्यों कह रहे हो कि हम 13 के 13 सीट हमें जिता करके दे दीजिए, दिल्ली में क्यों कह रहे हो कि हमें सबके सब 7ों सीट जिता के दे दीजिए। तो ये नगारा जो जो ढोल जो है ना, इन लोगों का फूट गया है। केजरीवाल को समझ में आ गया है क्या होना है अब, और इसीलिए ये इन लोगों का ये जो चुनाव से पहले का नौटंकी, चुनाव के समय का खेल और चुनाव के बाद का जो ड्रामा है, इन 3ों चीजों को दर्शक ये पूरी तरह से जान गए हैं कि ये लोग जो नौटंकी चुनाव के शख्स से पहले करते हैं कि हम लोग एनडीए अलायंस से हम लोग मिल करके लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ने की बारी होती है तो अखिलेश यादव कह देते हैं कि कमलनाथ जैसे सीनियर आदमी को चिरकुट कह देते हैं कि चिरकुट है ये आदमी, इतना सीनियर आदमी को, और कमलनाथ कहते हैं अखिलेश बखिलेश कौन है। मुझे तो कई बार समझ में आता कि इस पे चर्चा नहीं होती। मैं अपने शो में तो अंजू जी अक्सर कहता हूं कि इतना कांग्रेस की कब्र खोद देते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से उनको छीन लिया, पंजाब में भी जाकर के किसको छीना, किसकी सत्ता छीनी, कांग्रेस की छीनी, और कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी इसको दे रखा है कि भैया जाओ तुम अपने जितने भी तुम्हारे चोर जितने जितने शराब माफिया जो जेल में हैं उनको जेल से मुक्ति दिलाएगा। अब अभिषेक मनु सिंह भी न सत्येंद्र जैन को जमानत दिलवा पाया, ना सिसोदिया को, ना संजय सिंह को। आगे भी चर्चा, सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट तक से अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल, चूंकि मैंने, आप जानती हैं कि मैंने लीगल ज्यादा रिपोर्टिंग की है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो इन चीजों को थोड़ा गंभीरता समझता हूं। कपिल सिब्बल जमानत दिलाने की गारंटी है इस देश में,
तिस्ता सीतलवारों को घर में मोबाइल पे जमानत दिला देते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी जमानत दिलाने की गारंटी है इस देश में। वो अभिषेक मनु सिंह भी जो पवन खेरा जो मतलब दिल्ली की द्वारका पुलिस अरेस्ट करती है, लोअर कोर्ट में मामला नहीं जाता, हाई कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुन रही होती है और उसको जमानत मिल जाती है। वो अभिषेक मनु सिंह केजरी के चेलों को जमानत नहीं दिला पा रहा है। तो इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। आपने ना बहुत गंभीर बात कही है। अब क्या है ना, हर सुनवाई पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं बैठे बिठाए अभिषेक मनु सिंघवी को, तो क्या बोल रही है, वो तो अपनी जेबें भर रहे हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक आंकड़ा जारी किया था कि कितने करोड़ रुपए वो दे चुके हैं लीगल एड के लिए, और दे भी किसको रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को। पर मुझे एक चीज समझाइए, अभी जो कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद तो बोलती बंद हो ही गई है केजरीवाल की। नोटा से भी कम वोट मिले उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को, सारी की सारी जमानत रद्द हो गई। तो जो परसों एक बैठक होने जा रही है इंडी अलायंस की, उस बैठक से पहले केजरीवाल का ये सब कुछ कहना क्या प्रेशर टैक्टिक हो सकती है, क्योंकि अब कहने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रही हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है कि समझौता, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि तुम दिल्ली, आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली और पंजाब अब छोड़ दो, इसमें तुम कांग्रेस घुसपैठ मत करो, इसी शर्त पे हम तुम्हें छत्तीसगढ़, पंजाब और जो मध्य प्रदेश है, ये एहसास दिलाना चाह रही है आम आदमी पार्टी कि तुम जो हारे हो ना, वो हार की वजह तुम्हारी हम हैं, यदि हम साथ होते तो तुम जीत जाते, या फिर तुम इसी ढंग से मुझे भरोसा दो कि दिल्ली और पंजाब में तुम घुसपैठ मत करोगे। तो ये दोनों जगह की केजरीवाल को पता है कि उनकी औकात कहाँ है। छत्तीसगढ़ में जब उनसे पूछा जा रहा है कि तुम तीनों राज्य में क्यों गए जब सबके सब जमानत ही जब्त करना था, इज्जत लाज तो इन लोगों को, लज्जा तो इन लोगों को है नहीं, इतनी बेशर्मी के साथ सदन में जूते खा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में किसी सांसद की ऐसी जलालत, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं होगी। कई लोगों को निकाला जाता है, सस्पेंड कई लोगों को किया जाता है, लेकिन जो हाल राघव चड्ढा का किया गया, इसलिए क्योंकि आप हैं इस लायक, तो इन लोगों को लज्जा नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है केजरी, भारतीय राजनीति में केजरीवाल जैसा शातिर व्यक्ति मुझे आज तक दिखाई नहीं दे रहा, भले कोई शरद पवार को कहें, नीतीश कुमार को कहें, लेकिन केजरीवाल जैसा धूर्त और शातिर कोई नजर नहीं आया। इसीलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है कि वहां जाकर के भाई जो आदमी दिखाई, मैंने भी 2-3 शो कहा कि भैया केजरीवाल कहां है, मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जमानत खारिज कर दी, पुनर्विचार याचिका तो जल्दी कोई दाखिल नहीं करता। पुनर्विचार याचिका उसका खारिज होने का मतलब है कि केजरी गैंग के जितने लोग जेल में हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे, फिलहाल बिना सजा पाए बाहर नहीं आएंगे, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। ये समझिए, पुनर्विचार याचिका उसकी खारिज हो रही है और वो केजरीवाल यहां सौदा कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बर्बादी कहां तय है। और जब तक कांग्रेस से बड़ी डील चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी खिलंदर है, अभिषेक मनु सिंह भी जमानत तो नहीं लेने दे रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि इनको जमानत मिले, अगर इनको जमानत मिल गई तो फिर पेशियों पे जो पैसा मिलता है वो भी तो बंद हो जाएगा ना। अभिषेक मनु सिंह को अपनी दुकान भी तो आगे बढ़ानी है। पर एक चीज और है, जब 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी दिन शाम को ईडी का समन मिल गया था केजरीवाल को। अब पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल का खतरा बढ़ गया है। अब जनाब कह रहे हैं कि वो भाषण के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, 19 तारीख को जा रहे हैं, 10 दिन के लिए, ये क्या खेल है? देखिए, केजरीवाल को लगता है कि वो भारतीय राजनीति में सबसे शातिर खिलाड़ी हैं और उनके ऐसा धूर्त कोई नहीं है, तो गुरु को गुरु घंटाल कई बार मिल जाता है। उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस उनकी बाप है भाई, 138 साल पुरानी पार्टी है, भले ही आज कटोरा लेकर 138 रुपए मांग रही है, मोदी जी ने उसको कटोरा लेने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन भाई घाग लोगों का गठन है वो। अब अभिषेक मनु सिंह भी अंजू जी सिर्फ वकालत नहीं है, कहते हैं ना कि आप अपने डॉक्टर और अपने वकील से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, आपको जो गंभीर बीमारी है, वजह क्या है, सब कुछ डॉक्टर को बताना पड़ेगा, एक एक चीज डॉक्टर को बताना पड़ेगा। वैसे ही वकील को पता है कि आपने मर्डर किया है, लेकिन आपके खिलाफ आपको निर्दोष साबित करने के लिए वो लड़ता है। जब तक आप साफ स्वीकार करके नहीं वकील को बता देंगे कि हाँ मैंने मर्डर तो किया है, एक्यूज को बताना पड़ता है, उसको सच बताना पड़ता है तुमने किया क्या है, ताकि झूठ जब आप बोले ना तो पूरा पूरा फैक्ट पता हो। तो हर वकील को पता होता है कि मेरे इस क्लाइंट ने मर्डर किया है, लेकिन मुझे इसे बचाना है। यदि उसको कंफ्यूजन रहेगा नहीं, मर्डर इसने नहीं किया है,
तो सही ढंग से नहीं लड़ पाएगा। अभिषेक मनु सिंह और पूरे कांग्रेस पार्टी को इनके पूरे पाप का पता चल गया है। अभिषेक मनु सिंह भी इसीलिए छोड़ा है, इन्हें लगता है कि हम बहुत गुरु घंटाल हैं, उनका बाप है सोनिया गांधी जो है ना, वो पूरे अपने टीम के साथ रखे। इसीलिए मैं तो कई बार मानता हूं कि पूरा अन्ना आंदोलन प्रायोजित था कांग्रेस पार्टी का, इसलिए क्योंकि इस देश में कांग्रेस के प्रति इस कदर नफरत थी, इस कदर घृणा थी भ्रष्टाचार से, एक आंदोलन शुरू कराया गया ताकि बीजेपी लीड ना कर जाए, बीजेपी सामने ना आ जाए, तो जो गुस्सा है उसे एब्जॉर्ब कर ले कोई पॉलिटिकल पार्टी, उस गुस्से को एब्जॉर्ब कर लिया। वरना सोचिए शीला जी, आप और हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप तो हमसे भी पहले भी पत्रकारिता में हैं, दिल्ली एनसीआर में हम लोग जानते हैं कि शीला जी ने कितना काम किया, पूरे दिल्ली का कायाकल्प शीला दीक्षित ने कर दिया, शीला दीक्षित को हरा करके ये दिल्ली कब्जा लिया, और दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जब 97-98 में दिल्ली आए थे तो दिल्ली में मुझे लगता है एक या दो फ्लाईओवर था, आज दिल्ली में फ्लाईओवर का भंडार, इसमें से एक भी केजरीकाल में कुछ भी नहीं बढ़ा, दिल्ली का रत्ती भर डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज देखिए वाराणसी में प्रधानमंत्री हैं, हम लोग थोड़ा इधर उधर भी सब्जेक्ट से जाना इससे जरूरी है, क्या वो सूरत में थे, सूरत का कायाकल्प, मैं वाराणसी पिछले दो साल में डेढ़ साल में दो बार गया हूँ, इसमें पूरा वाराणसी का कायाकल्प हो गया, 15-17 साल बाद में वाराणसी गया था, अब पहचान नहीं पाएंगे वाराणसी जाएंगे, वाराणसी बदल गया, हमारा नेशनल कैपिटल नहीं बदल पाया, जस का तस है जो शीला जी जैसे छोड़ के गई, ऐसे नकारे व्यक्ति के कारण। केजरीवाल ने सिंगापुर बनाना था और वो जो यमुना वो टेम्स नदी बननी थी, लंदन टेम्स बनना था, बिल्कुल ये सब इसीलिए ये सब बोलते थे, इसीलिए इनकी कथनी और करनी में धीरे धीरे, क्योंकि इनने लोगों को सपना ऐसा दिखाया था ना, कि मैं तो सच बताऊं कि मेरे जैसा व्यक्ति भी शुरुआत में 2011 में जब हम लोग टीवी चैनलों से लाइव करते थे तो कई बार भूल जाते थे, दिन दिन भर रात 11-12 बजे तक लाइव रहते थे वहां से, और एकदम जोश रहता था कि यहीं से लाइव करूंगा, मैं ही लाइव करूंगा, और उसमें आदमी उस गर्मी में अपना पसीना हम लोग बहाते थे, लगता था कि एक व्यक्ति आया है देश बदलने के लिए। ये दरअसल विश्वास का हत्यारा है, और इसे मुझे लग रहा है कि जो आप जहां कह रहे थे ना विपासना 19 तारीख, इसने वरिष्ठ षड्यंत्र के साथ खेल किया है, इसे पता है कि सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने का मतलब है, पुनर्विचार याचिका किसके पास जाता है जो जी, पुनर्विचार याचिका सेम जज के पास जाता है, हर किसी को पता है पुनर्विचार याचिका खारिज ही होती है, 99.99% पुनर्विचार याचिका खारिज ही होती है। वकील सिर्फ कमाई करने के लिए, मोटा माल पाने के लिए अपने मोटे क्लाइंट से कहता है कि अच्छा एक बार पुनर्विचार, इसमें ये एंगल देंगे और हम जमानत दिलवा देंगे। वकील को पता होता है कि पुनर्विचार याचिका में कुछ नहीं होना है, वकील को सिर्फ पैसा मिलना होता है। पुनर्विचार याचिका खारिज करवा करके केजरीवाल के चेलों की बर्बादी तय कर दी। अब देखिए मनीष सिसोदिया पहले मास्टरमाइंड बताया जाता था, ईडी ने कोर्ट में कहा कि नहीं नहीं अब तो ये मन ये नहीं ये 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 चिरकुट संजय सिंह है मास्टरमाइंड, ये असली खिलाड़ी है। अब वो कह रहा संजय सिंह अच्छा तो इसका मतलब ये गोल पोस्ट बदल रहा है तो सिसोदिया इसका निर्दोष हो जाएगा, संजय सिंह दूसरा गेम करना शुरू कर दिया। मतलब अब मसली मास्टरमाइंड का, संजय सिंह का अरेस्ट होने का मतलब क्या है? ये पहले बताया जा रहा था कि शराब घोटाला दिल्ली सरकार का है, अब क्या आया है ईडी ने ट्रैक चेंज किया, दिल्ली सरकार का नहीं आम आदमी पार्टी का है। यदि दिल्ली सरकार का है तो संजय सिंह तो दिल्ली सरकार में कुछ भी नहीं है, संजय सिंह मतलब आम आदमी पार्टी के लिए उगाही और वसूली करता था, किसके लिए? अपने आका के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब कह चुके हुए कि आम आदमी पार्टी को तुमने पार्टी क्यों नहीं बनाया, सॉलिसिटर जनरल को कहा, सॉलिसिटर जनरल ने अगली बार कहा हम करते हैं, पूरी तैयारी अंजू जी हो चुकी हुई है, आम आदमी पार्टी इसमें पार्टी बनेगी। मतलब आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को कभी एक्यूज नहीं बनाया गया है, लेकिन कंपनियां बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसी ओर इशारा किया कि इस रूल के मुताबिक पार्टी भी एक्यूज बन सकती है, और जब पार्टी फंसेगी तो पार्टी का सरगना फंसेगा। तो केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए इसने 19 तारीख से पता है इस साल के अंत तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी ईडी और सीबीआई की तैयारी है। ये विपासना जो है ना विपसेना, ये पूरा उसका ढोंग है, ये कहे मैं जा रहा था, मैं तो शांति के लिए जा रहा था, ध्यान करने जा रहा था, ये सरकार ये मोदी मुझे धोखा, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे ये ड्रामा है, और इस ड्रामा आपको चलने वाला नहीं है इसका। और फिर मनीष जी सबसे मजेदार बात ये है कि आप बार बार ये कहते रहे हैं
जब तक संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे तब तक कि दिल्ली में तो शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ये तो मोदी सरकार गिरफ्तार करवा रही है। लेकिन जब ईडी का समन आया उसके बाद से उन्होंने ये नहीं कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। अब उनका सीधा सीधा कहना है कि मोदी सरकार हमें जीतने नहीं देना चाहती, हमारे पीछे पड़ गई है, हर जगह वो यही बोलते हैं। इसका मतलब तो साफ है ना कि आप अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। अदालतें फैसला दे रही हैं, सबूत आपके खिलाफ है, सिसोदिया के खिलाफ है, संजय सिंह के खिलाफ है, तभी तो उनको जमानत नहीं मिल रही है। जब आप ऐसा कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ, मोदी सरकार ने इन सबको जेल में डाल दिया, तो आप क्या अदालत की तौहीन नहीं कर रहे हैं? इनके खिलाफ अवमानना का केस नहीं बनना चाहिए इस मामले में भी? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इन्हें लगता था कि परसेप्शन क्रिएट कर देंगे टेलीविजन चैनलों को ऐड। मैं कई बार अपने टीवी चैनलों पे इसको समझाने की कोशिश करता रहा कि आपको याद होगा केजरीवाल ताल कटोरा स्टेडियम में या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अपना कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम से पहले आप देखेंगे कि टेलीविजन चैनलों पे केजरीवाल का इंटरव्यू आना शुरू हो जाता है बिल्कुल और उसके बाद तो स्टडी यदि कोई कोई करे तो समझ में आएगा कि केजरीवाल ये करते हैं कि भैया ये लो जो कहते हैं ना कि कुत्तों को जिस तरह से दिया जाता है आगे करके कि तुम्हें आगे का माल मिलेगा, बढ़िया बिस्किट मिलेगा, अभी जब ताल कटोरा स्टेडियम में मेरा लाइव दिखाओगे तो इंटरव्यू ये पहले चलाओ, टेस्ट करते हैं कि तुम तभी वो दिखाओगे तभी तुम्हें मिलेगा इस ढंग का ऐड। वरना दिल्ली जैसे शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री किसी ताल कटोरा स्टेडियम में बोल रहा है, वो एक एक घंटे तक लाइव टेलीविजन चैनलों पे चले, क्यों चले भाई? महाराष्ट्र नेशनल टीवी पे क्यों चले? केजरीवाल है कौन? दिल्ली जैसे एक शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनलों पे क्यों चलता है? ये कल तक हम आप जैसे लोग कहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे पास रैपिड रेल के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है और प्रत्येक साल 550 करोड़ रुपए तुम टीवी चैनलों और अखबारों को दे रहे हो। पहले इसकी एडिटिंग की गई, उसके बाद पता चला कि इतना पैसा एड में खर्च कर रहा है, उस पर रोक लगा दिया गया, इसीलिए टेलीविजन चैनलों से गायब है। अब जो आदमी आपकी शुरुआत करें कि जो टेलीविजन चैनलों से इतने दिनों से गायब था, वो पंजाब में कह रहा है कि 13 का 13 लोकसभा सीट हमें दे दो। एकाएक पदार्पित क्यों हुए? एकाएक ये विपक्षना क्यों हो रहा है? इसका मतलब है केजरीवाल के भी कुछ लोग तो हैं अंदर सिस्टम में, उन्हें पता है कि गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है। जेल जाने से तो सबको डर लगता है, भले ये कह ले कि हम जेल से सरकार चला लेंगे। जेल जाने के लिए तो बड़े उतावले हुए जाते थे संजय सिंह, अपने घर के बाहर हाँ पोस्टर लगा रखा था बिल्कुल, कि हाउस में ईडी का स्वागत है। और जब से ईडी ने गिरफ्तार किया, पहली रात से चीख चिल्ला रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, मुझे बाहर निकालो, मैं भागूंगा नहीं, मुझे जमानत दे दो। तो अब क्यों डर रहे हैं? वो तो ये कहते थे ना, मैं डरता नहीं हूं, डरूंगा नहीं, झुकता नहीं हूं, झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। तो अब तो संजय सिंह भीगी बिल्ली दिख रहे हैं। नहीं वो इतना ही तक नहीं रुकते थे, अपने आकाश कहवाते थे कि पैंट गीली करते हैं ईडी वालों का, ईडी के डर से दूसरों की पैंट गीली होती है और ईडी वालों का संजय सिंह से पैंट। अब सोचिए केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करे, सड़क छाप कुचक्कों की तरह व्यवहार करे, भाई ईडी जैसी संस्था का किसी व्यक्ति से क्यों पैंट गीली हो जाएगी? भाई ईडी कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, भारत की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है। और आप मतलब उस प्राइम एजेंसी के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था के लिए, तो ये दिखता है कि क्या। और वो इतनी नहीं, और झाड़ पर चढ़ गया संजय सिंह, झाड़ पर चढ़ के कह रहा है ईडी वालों आओ मेरी मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। मतलब केजरी ने उसे झाड़ पर चढ़ाया, वो झाड़ पे चढ़ा और उसके बाद अंदर है। यदि इतना तुम्हें डर नहीं लगता था तो भाई जेल में आराम करो, मसाज उसाज तो तुम्हारा आका, भाई जेल तो तुम्ही उन्हीं लोगों का है। सत्येंद्र जैन मसाज करते हुए धराया ही धराया ही था, किस किस से मसाज करा रहा था, बैंकॉक बना हुआ था, बनाए हुए था जेल को अपना, तो भाई मसाज करवाओ जब जेल। ये सौरभ भारद्वाज ने कहा ना जो नया नया जेल मंत्री बना है कि जेल तो अपना है तिहार, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब कोई दिक्कत नहीं है तो मरे क्यों जा रहे हो जमानत पाने के लिए? क्यों बार बार गिर गिरा रहे हो और क्यों कह रहे हो कि मैं मेरी कोई भूमिका ही नहीं है? अब जांचने दो, तुम ही कह रहे थे कि अरेस्ट कर लो। तो इन्हें लगता था ना गिदर भभकी दे देने से काम चल जाता है। अब इस देश की जनता, हम आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस ऐसे ऐसे मंच जो उपलब्ध हो गए हैं, इस सच को बता पाते हैं, जिसके कारण इनका जो एड का जो धंधा है वो चल से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो पूरा खेल जहां से आपने शुरुआत किया है कि 13 के 13 सांसद इनको चाहिए, ये कांग्रेस को धमकाने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए है लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में किसी को ना उतारे
और पंजाब में ना उतारे कांग्रेस। केजरी यही समझाता चाहते हैं कि कांग्रेस यहां उतारे नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव साथ के साथ बीजेपी के पास होती है और कांग्रेस भी खड़ी होती है और आम आदमी पार्टी। आप गौर करेंगी, व्यूअर्स जानेंगे इस चीज को कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते, जो इसके वोटर हैं वो अपेक्षाकृत कांग्रेस को वोट देते हैं। और एक और चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक चीज बड़ा अजीब सी है कि वही कांग्रेस जिसको मुस्लिम वोट पंजाब में राजस्थान में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ठीक बगल में बहुत सारा यूपी का हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है। यूपी में क्यों नहीं कांग्रेस को वोट करता मुसलमान, पंजाब में क्यों नहीं किया, बिहार में क्यों नहीं करता कांग्रेस को वोट? तो यदि कांग्रेस के वो वोटर हैं तब इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे याद है हम दोनों के कई कॉमन फ्रेंड होंगे, सुप्रीम कोर्ट कई कवर करते थे, रिपोर्टर्स में एक मुस्लिम रिपोर्टर था, वो हमें वो हमेशा इस बात को चिढ़ता था, कहता था कि आम आदमी पार्टी तो संघ का एजेंट है और दिल्ली में लगभग 100% मुस्लिम 2015 में आम आदमी पार्टी को वोट करती, 2013 में नहीं, 2013 में उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, 2015 के बाद से विधानसभा का चुनाव में मुस्लिम वोट लगभग 100% कांग्रेस को छोड़ करके इनको मिलता है। उस एजेंडा को समझिए, धमका रहे हैं भैया आम आदमी पार्टी कि यदि तुम खड़े नहीं होगे तो बीजेपी को दिल्ली में हम हराएंगे, इसका मतलब तुम हमारे लिए बाधक हो, तुम साइड हो जाओ। ये पंजाब में ये कहना सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में पंजाब और दिल्ली का मैदान सोनिया गांधी खाली करने, इसलिए केजरी ने कहा। केजरी को समझना बहुत इतना आसान भी नहीं है। केजरी को समझना आप और मेरे लिए आसान नहीं, उनको खुद के लिए भी आसान नहीं है। वो कल क्या बोल और आज क्या बोल देते हैं उनको खुद याद नहीं रहता। वही थे ना जो कहते थे कि बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, दो कमरों का फ्लैट चाहिए। आज 45 करोड़ के शीश महल में रहते हैं या नहीं, जहां पर 10 करोड़ का स्विमिंग पूल है। तो इसलिए केजरीवाल को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या है। लेकिन आपने एक बात कही कि फंड जिस तरह से ये लोग आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ नहीं दे रहे हैं, वो 232 कोर्ट रूम बनाने थे उसके लिए फंड नहीं दे रहे हैं, पर आप देखो कि दिल्ली में जो विधायक है उनकी वो जो एमएलए फंड होता है वो तो 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया इन लोगों ने, अभी 2 दिन पहले का फैसला है। उसके लिए पैसा है इनके पास, क्योंकि इनको 1 साल बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो अपनी सूरत भी चमकानी है। बिल्कुल, और यही यही आम जन तक नहीं पहुंच पाता। अब देखिए कोर्ट वाली जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई इनको, और बहुत चीजों को लोगों को समझ में नहीं आता। मैक्सिमम केसेस जो दिल्ली में, जो दिल्ली की पुलिस की है, वो फेलियर हो रही है, आतंकवाद से जुड़ी हुई। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार की जो वकील, जो जब आप कोर्ट का केस होता है तो उसमें क्या लिखा होता है, अरविंद केजरीवाल वर्सेज स्टेट, मैं उसी के नाम से कह रहा हूं, स्टेट मतलब राज्य सरकार। तो दिल्ली पुलिस भले केंद्र सरकार के पास हो, जांच दिल्ली पुलिस करेगी, लेकिन वकील किसका होगा? आम आदमी पार्टी का। वकीलों को पैसा नहीं मिल पाता, लीगल सेल्फ जो है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, लोअर कोर्ट की स्थिति बदतर बनी हुई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकारी स्कूल, मेरे तो कई साथी हैं जो दिल्ली में एजुकेशन और अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस दिन एजुकेशन वाला खेल शुरू हुआ ना भ्रष्टाचार का, तो लोग चौंक जाएंगे कि केजरीवाल एंड गैंग ने, मतलब सिसोदिया एंड टीम ने, शिक्षा में कितना बड़ा घोटाला किया, जिस व्यक्ति को धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री कहा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि जानबूझ करके जांच एजेंसी शिक्षा घोटाला अभी नहीं खोल रही है, क्योंकि उससे होगा कि बदले के भाव से काम कर रही है। शराब माफियागिरी में इनका पूरा चरित्र हनन हो गया। और ये चीजें बहुत अच्छी बात आपने की, देखिए मतलब जो आदमी कहता था कि गाड़ी की क्या जरूरत है, बंगला वापस कर दिया था, चीफ मिनिस्टर वाला बंगला जो शीला दीक्षित जी का बंगला था वो वापस कर दिया था कि मैं गाजियाबाद से ही रहूंगा। फिर वो अपनी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर गाजियाबाद में कैसे रहेंगे, तब कहा नहीं मैं 2 बेडरूम 2 बेडरूम में रह लूंगा, उसकी जरूरत ही क्या है। जरूरत है, चीफ मिनिस्टर को जरूरत है। सच ये है कि चीफ मिनिस्टर को जरूरत है, चीफ मिनिस्टर को सुविधा भोग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे चीजों को डील करते हैं। चीफ मिनिस्टर का घर बड़ा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये जो आप ढोंग करते हैं कि हमारे विधायकों को हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बदले आप सुविधाएं तमाम ले रहे हैं, और जो पूरी तरह से सरकार, क्योंकि दिल्ली की कमाई का कोई स्रोत नहीं है। आपने सिर्फ सोचा केंद्र की योजनाओं से लेंगे, हम लुटाते जाएंगे और केंद्र से दिन रात हम केंद्र से टकराते जाएंगे। इस व्यक्ति के कारण दिल्ली का बहुत अहित हुआ है। मुझे लगता है जितनी जल्दी दिल्ली इस चीज को समझ ले, और उससे ज्यादा पंजाब को समझना जरूरी है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, मुझे तो हम लोगों ने तो कई बार कहा ही था अपने शो में भी,
कि पंजाब खून के आंसू रोएगा और वो शुरू हो चुका। देखिए एक और छूट मेरी, आप टेलीविजन पर एक देखे होंगे कि आजकल भगवंत मान टेलीविजन पे छा गए। हाँ आजकल बड़े सिंगल क्योंकि इसके बातें करते। हाँ अब पहले वो केजरीवाल, अब देखिए मुझे लगता है कि भगवंत अपना चमका, क्योंकि पंजाब के पास माल है, चेला तो केजरीवाल का ही है, तो भगवंत मान आजकल आप देखिए जिस टेलीविजन चैनल को आप खोलिए भगवंत मान का एड, वो पगड़ी बांधते हुए सदाक भगत सिंह और ये क्या करते हुए, तो ये इसका मतलब है कि इस मुंह से मीडिया का मुंह बंद करने के लिए भगवंत मान का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके पास तो पैसा है नहीं, ये भी ऐड करेगा तो कहेगा तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट जूते मारेगी इसे, इसलिए भगवंत मान के माध्यम से मीडिया को मुंह बंद करने का षड्यंत्र किया, क्योंकि पंजाब के पास पैसा है, तो पंजाब के पैसे का दुरुपयोग, मुझे लग रहा है कि इस देश को बहुत सजग होने की जरूरत है, इस शातिर खिलाड़ी को समझ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई तुम्हारा पैसा रुका हुआ, तुम्हारा ऐड कैसे चल रहा है दिल्ली सरकार का, इसीलिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ इसका नाम नहीं रहता, इसका चेहरा नहीं होता, और बड़े शातिराना ढंग से टेलीविजन चैनल के हर बुलेटिन में आप देखेंगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री दिखता, देश का दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता भाई, महाराष्ट्र से ज्यादा संपन्न है पंजाब, क्या यूपी से ज्यादा संपन्न है, योगी आदित्यनाथ के कितने ऐड आते हैं, इतना बड़ा राज्य है उसके सामने पंजाब तो कितनी सा है, तो इसीलिए इस खेल को समझना बहुत जरूरी, कितना शातिर है अंजुरी जी की, दिल्ली सरकार का ऐड बंद हुआ तो दिन रात आप टीवी खोलिए भगवंत मान दिखाई दे रहा है दो पैक मारकर, इसीलिए और मनीष जी आप बिल्कुल सही कह रहे, इसीलिए तो वो भटिंडा में होने वाली रैली भी दिखाई जा रही थी चैनल्स पर, बिल्कुल बिल्कुल वजह बिल्कुल वजह एड्स पिछले 3-4 दिन से तो दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, बिल्कुल सबसे ज्यादा, अब हर बुलेटिन में ऐड है और सभी चैनल पे है, ऐसा नहीं कि आप किसी चैनल पे सोचेंगे अरे इसको दिया होगा, दूसरा सर्च करेंगे उस पे भगवंत मान दिखाई दे देगा। अब एक चीज बताइए, पंजाब के पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो क्या इतने दिखाई देते थे टेलीविजन चैनलों पे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, कोई भी चीफ मिनिस्टर दिखता था वो तो राजा थे, बिल्कुल कैप्टन साहब तो राजा थे, उनका तो अपना बजट भी था, लेकिन आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को टेलीविजन चैनल पे कितनी बार देखते थे, या फिर 6 महीने के लिए जो चीफ मिनिस्टर बने थे उसे कितने दिनों देखा, आप भगवंत मान को देखिए 24 घंटा दिख रहा है भाई, कांग्रेस पार्टी के पास तो माल इनसे ज्यादा है अभी भी, लेकिन देखिए क्या होता था, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस बहुत बहुत बारीक चीजों को समझने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और केजरीवाल का सच यदि देश जितना जल्दी जान ले मुझे लगता है उतना बेहतर है इस देश के लिए। और केजरीवाल का सच तो ये है कि मुझे भी अब ये लगने लगा है कि विपाशना जो 19 दिसंबर से जाने का ऐलान किया है, बेसिकली उन्होंने ये बताया है ईडी को कि भाई उससे पहले कार्रवाई कर लो, क्योंकि तब तो मैं 10 दिन के लिए चला जाऊंगा बेंगलुरु, और फिर हो सकता है वो चाह रहे हो कि बेंगलुरु से लिया जाए, ड्रामा भी तो करना होगा ना सर, जब गिरफ्तारी होगी जी, लोग रहेंगे, कैमरे रहेंगे, तो फिर और मजा एकदम सही बात, यही वजह है कि वो जानता है कि ड्राम, उन्हें पता है कि अब गिरफ्तारी का समय आ गया है, तो या तो यदि बेंगलुरु जाने से पहले यदि कर लिया सरकार ने ईडी ने गिरफ्तार, तो कहेंगे कि जानबूझ के मैंने तारीख दी, मैं ध्यान करने जाता था और मैं भारतीय पुरातन संस्कृति के मुताबिक ध्यान मुद्रा में जा रहा था, आजकल इनको भारतीयता राम ये सब चीजें बहुत सूझने लगी है, तो ये सब ड्रामा है, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा दिन ड्रामा चलेगा, और कहते ना कि एक चीज की उड़ बेटा कितना उड़ोगे भाग, तो वही इन्हें भागने का अवसर दिया जा रहा है, इन्हें लग रहा था कि ईडी को चिट्ठी लिखा था इसने ना, मैं नहीं आता, जो उखाड़ना उखाड़ लेना मैं नहीं आता, अब दोबारा चिट्ठी लिख देते, अब इन्हें पता है कि इनकी जब खास करके सिसोदिया का पुनर्विचार याचिका खारिज होना और सत्येंद्र जैन, क्योंकि लोअर कोर्ट में उसकी याचिका सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चला गया, मतलब लोअर कोर्ट अभी सुनवाई कर ही रही जमानत पे, सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फरवरी में आ जाना, पहले लोअर कोर्ट को सुनने दो, इन सबको इन्हें लगता था कि अभिषेक मनु सिंघवियों के माध्यम से कुछ भी कर लेंगे, इन सबको धीरे धीरे सब औकात में आ रहे हैं, अच्छा है कि सच देश की जनता जान ले वो ज्यादा बेटर है, लेकिन कमाल की बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गिर गिराते हैं और उसी कांग्रेस को ये धमकी देते हैं, इनकी धमकी के कितने मायने हो सकते हैं, कितना असर होगा ये समझा जा सकता है, बिल्कुल, और यही दोगलापन है, और इसीलिए कहते हैं कि केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और किसी को समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता मुझे तो ये लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं कितनी जल्दी वो ईडी के शिकंजे में आते हैं, और आते भी हैं या सुबह सवेरे किसी दिन ईडी शीश महल पहुंच जाती है, ये भी केजरीवाल को सता रहा है, पर आपने मेरे लिए समय निकाला मनीष जी, मेरे से चर्चा की इस विषय पर, मेरे दर्शकों के सामने आ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।